दोस्तों, द कपिल शर्मा शो से दर्शकों का अच्छा खासा जुड़ाव देखा जा सकता है। इस शो ने लोगों के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। हम इस शो में चंदन प्रभाकर को चंदू चायवाले के रोल में देखते आए हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग बेहद ज़बरदस्त है। लोग उनके किरदार चंदू चायवाले के रूप में काफ़ी पसंद करते हैं। हम अक्सर कपिल शर्मा को चंदू की खिल्ली उड़ाते हुए पाते हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये असल ज़िंदगी में एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। चंदू चायवाले, उन्होंने पंजाब से ही इस डिग्री को हासिल किया और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा और लंबा संघर्ष किया है। पंजाब के रहने वाले चंदन प्रभाकर कपिल शर्मा की बचपन के दोस्त हैं। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। चंदन प्रभाकर को हमेशा से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी। उन्होंने टीवी में आने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। कपिल शर्मा के साथ उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अपने करियर की शुरुआत की। इस शो के ख़त्म होने के बाद उन्होंने द कपिल शर्मा शो में चंदू चायवाले का किरदार बखूबी से निभाया है। इस किरदार ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये एक्टर हफ्ते के करीब 8 लाख रुपए की फीस लेते हैं। बात करें अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की, तो चंदन प्रभाकर ने नंदिनी खन्ना से शादी की। नंदिनी खूबसूरती में इंडस्ट्री की किसी हीरोइन से कम नहीं है, लेकिन उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर रहना ही पसंद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी एक छोटी सी जानकारी चंदन प्रभाकर के लिए। और दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें आपको नए नए फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।